जा भाई, रुक जा, अरे रुक जा, आग लगा दी है भाई भाई। अरे देख रहे हैं आतिश खड़ा है, विजुअल ले रहा है, तू उस पे सेट कर रहा है। एक बार रुक जा, एक बार, ए सुन, अभी भाई सॉरी देखा मैंने घुमा घुमा। अरे ओ भाई डंबल है, पीछे ये पावर पॉइंट पूरा बनाते हैं। अब दे रहा है वीडियो भाई, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट पे आ जाओ, लेफ्ट पे आ जाओ, लेफ्ट में ऑन योर लेफ्ट ऑल ऑफ यू। आइए मनोज जी, सर मनोज सर एक फोटो, यही शुरू मिल जाएगा। मनोज सर लुक लेफ्ट लेफ्ट, सर आपके सामने रोल है हाँ। ए, तो सर इस बात से एक बंदा ही काफी है, मैंने सुना है वो है आप, तो थोड़ा सा बताइए। Yes. नहीं, इसका नाम है और एक वकील की कहानी है और लॉयर हैं और छोटी जगह के, और कैसे एक छोटी सी बच्ची जिसके जिसके साथ एक अत्याचार हुआ है, उसका शारीरिक शोषण हुआ है, उसका वो साथ देते हैं, उसको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, ये उसकी कहानी है। सिर्फ एक बंदा काफ़ी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी लोग इसे पसंद कर रहे हैं, खास करके मीडिया के सारे लोगों ने एक के बाद एक पूरा सोशल मीडिया भर रहा है, इतना प्यार दे रहे हैं वो लोग। कल 23 तारीख को रिलीज़ कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि पूरे देश के लोग, जो भी हमारे देशवासी या लोग जो देखते हैं हमारी हिंदी फिल्में, बाहर में भी देखें, और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं इसको, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म, बहुत ही सुंदर फिल्म जो अपूर्व सिंह कार्की ने बनाई है, उसको आपके सामने लेके आते हुए। इस बार आप जो वकील के अंदाज में आप आने वाले हैं, थोड़ा सा बताइए कि ऐसे नहीं, देखिए मेरे बहुत सारे वकील दोस्त हैं, तो उनके साथ में हर तरीके के कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाना आना हुआ है, तो उसके लिए मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी बार उनके साथ जा कर के सारे प्रोसीडिंग्स देखे हैं, तो वो तो था ही, वो अनुभव था। और उस और बाकी ये जो किरदार है वो उसकी रिसर्च बहुत अच्छी थी, तो उस रिसर्च को पढ़ के जान के ज़्यादा से ज़्यादा इसको रियल बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये फिल्म ऐसी है कि जो हर किसी को समझ आएगी, हर किसी के दिल को छू जाएगी, खास करके लड़कियां जो हैं, बच्चे जो हैं,
वो जरूर देखें इस फिल्म को। ट्रू स्टोरी पर भी बेस्ड है ऐसा मैं सुन रहा हूं। बहुत सारे ट्रू इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं सच्ची बहुत सारी, उन सबको लेकर के इसमें मिलाया है, हमने बनाया है। तो कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, तो कौन सी पर्सनालिटी का पर्दाफाश होने वाला है? पता नहीं, जो भी गलत करेगा उसका पर्दाफाश होगा। आप सबको शुभकामनाएं, मैं चाहूँगा कि आप लोग देखिए और आप लोग जो अगर अच्छी लगती है तो लिखिए और मुझ तक भी पहुँचाइए। थैंक यू, नमस्कार। सर अभी इधर देखिए, एक बार लेफ्ट में, एक बार इधर, इधर सेंटर मारा उसको तुमने मैम लेफ्ट ला, मैम लेफ्ट ला, बेटा सामने देखो ना, सीढ़ियों पे बैठ जाइए।